एगो जहाज था, पूरी जहाज पलट गई, कितना बड़का जहाज डुबा दिया ये, अरबों खरबों का जहाज था। क्या है इसके आगे? टाइटैनिक कुछ है इसके आगे? सोचो, जहाज का कप्तान उतना सक्सेसफुल आदमी, जब क्या समुद्री दुर्घटनाएं, जहाज दुर्घटना मूंगा के कारण हो सकती है? कई बार हुआ है, हो क्या सकती है, हमेशा होता है। कौन ना कौन एगो जहाज था, कोस्टा कॉनकॉर्डिया, कोस्टा कॉनकॉर्डिया टाइटैनिक से बड़ा था। किसे बड़ा था? टाइटैनिक से बड़ा था, अरबों खरबों का था, टाइटैनिक से बहुत महंगा था। और जब वो चला ना इटली से, कोस्टा कॉनकॉर्डिया से, तो जो उस पर नाचने वाली नचनिया थी ना, डांसर बोला, नचनिया ही बोला जाता है ना डांसर, हिंदी में, इंग्लिश में डांसर, हिंदी में नचनिया। नचनिया बोलो ना सीधा, नहीं समझ में आ रहा है। नचनिया जो थी उस पर नाचने वाली, और जो जो जहाज का कैप्टन था, जो जहाज का कप्तान, इन दोनों में कोई सेटिंग गेटिंग हो गया? अब तो जहाज को डूबने से कोई बचा सकता है? अब नचनिया नाच रही है। नचनिया को ये कोरल रीफ बहुत पसंद था। अब कैप्टनवा को देख के मुस्कुरा दी, जबकि कैप्टन को सख्त आदेश था कि कभी कोरल रीफ की ओर बड़े जहाज को नहीं मोड़ना चाहिए। वो सोच रहा, कैप्टनवा मेहरा गया, तनी सा मुस्कुराई, जहजिया को आदेश दे दिया किधर मोड़ने का, हाँ कोरल रीफ की तरफ, किधर कोरल। आज जहजिया टकरा कोरल रीफ से, उतना भारी जहाज है और हैवी इंजन से चल दिया वहां पे, और नीचे क्या मिल गया, कोरल रीफ, करकरा के पेंदिए फट गया, पूरी जहाज पलट गई। एक नचनिया के चक्कर, रुको, तुम लोग को विश्वास ही नहीं होता तो हम क्या करें, रुको देखो, इतना बड़का जहाज डुबा दिया, दिख रहा है ये, देखो ये बैला को, बताइए कितना बड़का जहाज डुबा दिया ये, इतना सुंदर जहाज था ये, इतना सुंदर जहाज ये, दिख रहा है, अरबों खरबों का जहाज था। क्या है इसके आगे? टाइटैनिक कुछ है इसके आगे? इतना कोस्टा कॉनकॉर्डिया, देखिए ले जाके अस्पष्ट दिख रहा है कि पेंदी रगड़ दिया, दिख रहा है इसका पेंदी ले जाके रगड़ दिया, जा नो टंकी कहीं का, दिख रहा है। अब अभी देखो जहाज पेंदी रगड़ दिया, अब इसके बाद जहाज अब डूब गया नहीं, अब इसको काट काट के निकाला जा रहा है, कबाड़ में दे दिया गया काट के, देखो कितना रद्द, आज के समय जहाज का हालत कितना रद्द हो गया, काट के अब निकाला जा रहा है, उठ थोड़े पाएगा इतना हैवी जहाज, अब कोई ठेका लिया है उसको काट कूट के निकाल रहा है, देखो कैप्टन जेल है, जेल में चल गया, नर्तकी अभी भी नाच रही होगी कहीं, हाँ हाँ किनारे पे ही ना डूबा था तो इसलिए बच गया, देखो कितना किनारे पे है, तुरंत लोग आ गए ना बचाने। कोरल रीफ जो होते हैं और चट्टान बीच में नहीं पाए जाते हैं, कहां पाए जाए किनारे, तो इसको जाना था कहां से, बीच से, तो नचनिया को जगह यह पसंद था ना, तो कहा इधर से घुमा के ले चलते हैं। सोचो जहाज का कप्तान, करोड़ों की उनसों की सैलरी होती है, उतना सक्सेसफुल आदमी, जब लाल पीला हरा में गया तो डूब गया, तो गधो तुम किस डेगची का मसाला हो, तुम तो डूबोगे तो पता भी नहीं मिलेगा कहां गया, यहां पे ही तो बेचारा कम से कम ऊपरा पतो चल गया, नहीं तुम लोग क्या समझते हो यहां पे, सर ये जहाज, अब जहाज का कुछ नहीं होने वाला है, आपको समझ रहे हैं, छोटा मोटा कोई डसा है उसको, उसको डसा कौन है, और डांस देखेंगे, मां नाच रही है इधर, लेके मोड़ दिए इधर, यहां पे हमेशा कहते कोई सब चीज में ज्यादा इधर चक्कर पकार नहीं करना, यहां पर सबसे पहले कामयाब हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, अपने हिसाब से तुम लोग पहले कामयाब हो जाओ, जो खुद को नहीं सस्टेन कर सकता है, लड़की लोग या लड़का लोग दोनों लोग को कहते हैं, जो अपना करियर नहीं बना पा रहा है, अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहा है, क्या लगता है फ्यूचर में आपकी जिम्मेदारी उठाएगा, नहीं फिर ले आके फिर वही कपड़ा वपड़ा भिजवाएगा, एकदम भयानक का रोटी बनवाएगा और मजदूरी पे साथे ले जाएगा, नहीं समझ आएगा, ईंटा ढोइएगा लोग और वैसे लेके ढो, समझा गया, ये सबको नहीं देखना है। और तुम लोग, आप लोग देवी लोग, ये सबको बकास देना, बहुत बेचारों पे जिम्मेदारी होता है। अच्छा लड़की लोग बताओ, वो बैल को कप्तान था, उसको जहाज चलाने के लिए अपने ब्रिज पे होना चाहिए, जहाज में कप्तान जी देखते हैं सब ना, जहां बैठ के नहीं देखते हैं, दूरबीन वाले के भोंपू जैसे देखते रहो, उसको शायद ब्रिज बोलता है, और उड़ने वाली जहाज में जहां बैठता है उसको कैप्टन कॉकपिट बोलता है, तो अपना ब्रिज पे रहना चाहिए, उसको नेविगेशन देना देखना चाहिए, मौसम कैसा है, गहराई कैसी है, रडार पे कोई दूसरी जहाजें तो नहीं है, सोनार देखना चाहिए, गहराई कितना, नाच देखेगा
हाँ अब जेल में नाच देखे गए हम, बाकी सब कैदी उसको नचाएगा, सर नाच तो कप्तान नाच। जेल में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जो पुराने क्रिमिनल होते हैं उनसे, आपको पैर दबवाएगा सब, समझा गया, ओकर दबा के हटिएगा ना तो दूसर का दबा गया, इधर दबा, समझा गया, इतना दबाएगा सर ना कि दबाते दबाते आप सूझ जाइएगा, यहाँ पे सूझ जाइएगा तो उठेगा, अरे मारे यहाँ सुते का जगह, अरे भाग यहाँ से। सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, और ज्यादा नियम कानून गिनाइएगा ना, जेलर को जाके कहिएगा कि जेल मैनुअल में ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो जेलर कहेगा अच्छा कुछ बात दूसरका वाला आएगा और इस कचर की इतना घूसा मार मारेगा ना, ऐसा घूसा मारेगा उसके बाद जेलर आएगा तो कहेगा जेल मैनुअल के हिसाब से अगर जेल में लड़ाई झगड़ा हुआ तो सजा और बढ़ जाती है, तुमने लड़ाई क्यों किया, समझा, बहुत दिक्कत होता है। अभी कप्तान साहब कहाँ होंगे, जेल, नाच देखें नाच।